अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इस्माइल रंद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो हमने बनाई थी कि प्रैक्टिकल कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल की आंसर शीट जो है वो कैसे फिल होगी, उस पर जो है आरिफ अली फारूकी ने डिटेल से आपको जो है वो वीडियो में बताया था। मज़ीद जो है उसके बाद जो वीडियो जब वो चली माशाल्लाह वो अच्छी चली है और आप लोगों ने लाइक किया, उसको कमेंट्स भी किए आप लोगों ने, आप तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो ये है कि नंबरिंग कैसे होंगी, मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मार्क्स के हवाले से बनाई जा रही है, जनरल के नंबर कितने होने चाहिए और मज़ीद जो है एक्सपेरिमेंट के नंबर कितने होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपको प्रैक्टिकल पर नंबर कैसे दिए जाते हैं, मतलब कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। तो आज मार्क्स पर एक वीडियो बनाई जा रही है, खसूसी तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो स्कूल के लिए नए हैं या न्यू टीचर, जो बोर्ड का उनको तजर्बा नहीं है या उनको प्रैक्टिकल लेने का तजर्बा नहीं है। तो आज हम उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल पर नंबर दिए जाते हैं। और ये प्रिंसिपल ज़रूर ये वीडियो देखें जो न्यू प्रिंसिपल हैं, न्यू स्कूल खोल रहे हैं या न्यू स्कूल खोल चुके हैं के हवाले से उनको पता नहीं है। काफ़ी लोग जो है दोस्त गाइड नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं प्रिंसिपल हजरात का, टीचर हजरात का, कि लो ये इतना भाई बड़ा हो गया और इसको पता नहीं है, ये इतना अच्छा एक्सपर्ट है और इसको ये जो प्रैक्टिकल लेना नहीं आता, तो उस बेचारे को दबाया जाता है हर सूरत में किसी न किसी तरीके से, या तो उससे ट्रीट ली जाती है या तो फिर उसको लंच पर लिया जाता है। तो आप लंच वंच का ख़र्चा ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के साथ साथ आप ये सीख जाएंगे कि प्रैक्टिकल के नंबर कैसे दिए जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर जो है इस शीट को फिल करेगा, पहले शीट चेक की जाएगी, अगर उसने बच्चे ने स्टूडेंट ने जो है ये मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 3 हैं और ऑप्टन मार्क्स जो हासिल शुदा मार्क हैं वो यहाँ लिखी जाएंगी। प्रैक्टिकल जनरल के जो नंबर हैं वो टोटल 3 दिए गए हैं। प्रैक्टिकल जनरल के 3 नंबर होते हैं और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल चेक किया जाता है, जनरल चेक किया जाता है कि उसको कितने नंबर दिए जाएँ। तो उसी हवाले से अगर प्रैक्टिकल जो है जनरल जो है अच्छा उसने लिखा है, राइटिंग अच्छी है और दीगर काम अच्छा है तो उसको पूरे नंबर दिए जाते हैं, वरना फिर उसके नंबर काटे जाते हैं, 2 होते हैं, 1.5 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है। तो वाइवा के नंबर होते हैं, वाइवा के नंबर टोटल 4 होते हैं। उसके बाद उससे ओरल जो है वो पूछे जाते हैं सवाल जवाब, और सवाल जब अगर उसके जवाब अच्छे देता है तो उसको 4 नंबर दिए जाते हैं। अगर वो कम कर रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे में, उसको याद नहीं है, तो उसके नंबर जो है कम से कम किए जाते हैं, 3.5 भी किए जा सकते हैं, 3 भी किए जाते हैं, 2 भी, 2.5 भी, 1.5 भी, 1 भी, 0 भी किया जा सकता है। वो जो एग्ज़ामिनर होता है वही उसको देख रहा होता है। और कोशिश करें कि जो तजर्बाकार हजरात हैं उनको लें तो अच्छा होता है, वरना फिर थोड़ी सी दुश्वारी का सामना होता है। उसके अलावा जो बायोलॉजी का पेपर होगा, बायोलॉजी में 3.5 नंबर जो है स्पोर्टिंग के रखे गए हैं और एक्सपेरिमेंट के 4.5 नंबर रखे गए हैं, ये टोटल जो है 8 नंबर बनते हैं, 8 नंबर इसके हो जाएंगे। और वाइवा के जो हैं 4 नंबर हो जाएंगे, 4 और 8 12 हो गए, और प्रैक्टिकल के 3 नंबर हो जाएंगे, इसी तरीके से 15 नंबर ये बन जाते हैं। तो उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें, अगर बायोलॉजी का पेपर नहीं है, केमिस्ट्री या फिज़िक्स का है, तो केमिस्ट्री या फिज़िक्स के जो नंबर हैं वो 8 होते हैं। आपको बताते चलें कि 8 नंबर दिए जाएंगे और उसी हिसाब से टोटल जो नंबर बनेंगे वो 15 नंबर बनेंगे। जाकर प्रैक्टिकल जनरल के टोटल नंबर 15 है और ये ऑप्टेन मार्क्स में ये तारीर की जाएंगे, लिखे जाएंगे। ये हो गए आज के बाल पेन जो नंबरिंग है वो कैसे दी जाती है, टोटल नंबर नहीं लिखे होते, 15 नंबर का होता है प्रैक्टिकल बाल, और किस तरीके से नंबरिंग दी जाएंगी यहाँ पर जो होगा। और उसके आगे चलते हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो इन वर्ड में भी लिखना है, कभी गलती में कुछ उस्ताद जो है हमारे वो गलती से लिख लेते हैं और इन वर्ड में कुछ और होता है, तो इसलिए बोर्ड ने जो ये तरीका कार अख्तियार किया हुआ है, इन वर्ड्स में जो है टोटल मार्क्स लिखने तो यहाँ लिखे जाएंगे। और जो नेम और इंटरनल होगा, एक्सटर्नल है, इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर नाम भी लिखेगा और साथ में साइन भी करेगा, बाकी ये नीचे वाली चीज़ें जो हैं ये बोर्ड ऑफिस का अमला खुद करेगा। तो आज की ये वीडियो ज़रूर हमें आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को पुश करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर आपने कोई मज़ीद और मालूमात चाहिए तो हमें ज़रूर जो है कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स दीजिए हमें और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ताकि उस हिसाब से दूसरी वीडियो भी आपको बना के दें। आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।